हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और ये देखिए, ये वीडियो है दसवीं के दिन का, यानी कि कल का ये वीडियो है। और आप लोग से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि एक दिन बाद आप लोग को ये वीडियो मिल रही है। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह देखिए जो भी काम उम होता है घर का, वो सब हो जाने पर ना फिर मैं अपना जो देवी मैया की फ़ोटो थी जो सब मंदिर में लगाने लगी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ना यहाँ पे अक्सर छिपकली रहती हैं। तो बस मैं अच्छे से देख देख के ना बहुत मतलब देख के तभी मतलब सारी फ़ोटो उठा रही थी क्योंकि डर लगता है ना कभी फ़ोटो के पीछे छिपकली चिपकी होती है, जो कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस यहाँ पर देख देख के मैं सब फ़ोटो उठा रही थी, और उसके बाद फिर कर लूँगी मैं पूजा। और आज तो जैसे कि सब जगह विसर्जन का है, तो बस यहाँ पे मैं तकलीफ़ तो ना सच पूछो तो आज बहुत तकलीफ़ हो रही, आज इतनी तकलीफ़ हो रही कि बार बार जैसे अंदर से रोना आ रहा है क्योंकि देवी मैया 9 दिन हम सबके बीच थी और फिर अब आज उनका विसर्जन हो रहा, तो बहुत तकलीफ़ हो रहती है। तो बस चलिए मैं अभी अपना सब कर लेती हूँ, पूजा उजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोग को भी पूरा दिखाती हूँ मंदिर अपना। तब देखिए, देखिए पूजा अच्छे से हो गई थी और मंदिर देखिए पूरा, ये देखिए आज कान्हा जी को भी मैं नया ड्रेस पहना दी हूँ क्योंकि आज दसवीं है, तो उन्हें भी मैं नया ड्रेस पहना दी थी। ये ड्रेस बस जिस दिन जन्माष्टमी थी बस उस दिन पहने थे और उसके बाद फिर आज पहना रही हूँ, क्योंकि उस दिन जो दो ड्रेस बनाई थी ना तो वो फिर पहना दी थी कान्हा जी को, मैं कही चलो आज ये वाला पहना देती हूँ। और सब देवी मैया को भी देखिए अच्छे से मतलब कर दी थी। और उसके बाद अब चल रही हूँ मैं अभी किचन में चलूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पूजा करके मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे कल की परसों ले आए थे नान खटाई, तो ऐसे रखा था क्योंकि कल हाँ कल तो सब व्रत थे तो ऐसे रखा था। मैं कही चलो कान्हा जी को भी भोग लगा देती हूँ और उसके बाद इसे डिब्बे में रख देती हूँ। दोस्तों आज है दसवीं और अभी 2 मिनट के लिए बाजा बंद हुआ, तो सबसे चलो पहले आप लोग को खिला दूं। तो आज है दसवीं, सबसे पहले आप लोग को हैप्पी दशहरा, और ये लीजिए कल आया था नान खटाई तो आप लोग भी खा लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए दशहरा की खुशी में। चलिए उनको सबको भी दे दे, ये देखिए कान्हा जी को भी निकाली हूँ, जा रही पहले कान्हा जी को खिलाऊंगी। और ना इसे डिब्बे में रख दूंगी, तो डिब्बे में नहीं रखूंगी ना तो पूरा नरम हो जाती है, और शिवांश प्रिंस ये खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों ना मेरा ये सब बिल्कुल भी नहीं मन करता, ना तो ये मन करता ना रेवड़ी ना पेठा। पेठा जैसे रहता है कि अगर व्रत व्रत रहती तो एक आग खा के पानी पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं मन करता है। और शिवांश प्रिंस से बड़े प्रेम से खाते हैं, तो बस ये शिवांश प्रिंस के लिए आए थे। हमारे ना दसवें के दिन ये सब आता है, जैसे कि नान खटाई आती है, रेवड़ी आती है, पेठा आता है, ये सभी आता है दसवें के दिन, और लाई नमकीन इस तरह से सब लोग अपना खाते हैं। पहले अब उतना कहाँ कौन निभा रहा, लेकिन पहले जब हम लोग आए थे ना तो इसी तरह से होता था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रखा था सारा कपड़ा कल का, कि कल की हाँ कल और परसों का दोनों दिन का कपड़ा था। और यहाँ पे ना 2-3 दिन हो गए थे चादर ले आए थे, देखिए, और ये चादर तो काफ़ी अच्छी है, दिखने में तो बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है, हर एक चीज़ का डिजाइन विजाइन भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखो इसका कपड़ा कैसा रहता है, क्योंकि कपड़ा तो अब इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका, क्योंकि अब धुलने पर पता चलेगा कि इसका कपड़ा कैसा है। और जी ये वाली चादर मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, तो ये वाली चादर प्रिंसी को बहुत पसंद है, और एक चादर देखिए ये वाली है, इसका भी प्रिंट अच्छा लग रहा था मुझे जो भी इस पर प्रिंट बना हुआ था। और एक ना चादर मम्मी धो दी थी, मतलब क्या रात में भिगो के रख दी थी, तो कपड़ा ना जैसे कि जैसे इसका कुछ जैसे सिल्क वाला कपड़ा सरकने वाला कपड़ा होता है उस मॉडल में इसमें का कपड़ा दिख रहा था। अभी बिछाने पे पता चलेगा कि बिस्तर पे टिकेगा कि नहीं। और एक चादर देखी, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए ये येलो कलर की चादर है और इसका प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक चादर और देखिए ये वाला, ये ब्लू कलर का है, और ये 5 चादर थी, मतलब मेरे ख्याल से डबल बेड की चादर है, डबल बेड से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जो हमारा आगे वाला कमरा है, आगे वाले कमरे में डबल चौकी पड़ी है ना, तो उस पर तो ये नहीं होगा, उस पर छोटा पड़ रहा है, लेकिन हाँ हम लोग के कमरे में आराम से ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक चादर ये है, ती वाली चादर ना मम्मी धुल दी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये बहुत सरकेगा बिस्तर पर। अब चलिए इसे सब मैं दिवाली पर ही बिछाऊँगी। तो देखिए पूरी 5 चादर थी, और ये मेरे ख्याल से 1000-1200 की रेंज में पड़ा था, मुझे नहीं पता है, तो ऐसे कुछ पड़ा था।
तो उसके बाद देखिए कपड़ा तो बहुत था फोल्ड करने के लिए, तो सबसे पहले जो भी साड़ी उड़ी होती है ना सारा मैं फोल्ड कर लूँगी। और आज ना मैं देखिए हो सकेगा तो जाऊँगी विसर्जन में पहली बार, जब से मतलब 17 साल हो गए मुझे आए, 17 साल, तब अब पहली बार मैं जाऊँगी विसर्जन में। मम्मी कहेंगे चलो तुम भी चलना आज, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी मैं अभी जो भी घर का काम था छुट मुट सारा निपटा रही थी, कहीं चलो सब कर लूँगी तो उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी। और खाना में ना दाल चावल बस बनाई हूँ, खाना में दाल चावल इसलिए बनाई हूँ क्योंकि शाम को हो सकेगा कुछ ना कुछ तो बनेगा, या दसवीं है ना तो दसवीं के दिन जैसे कि समोसा है या फिर ए टू जेड कुछ भी जो मन रहता है तो बनता है। तो देखो शाम को अब जो मन होगा तो बना लूँगी। और उसके बाद और इतनी समय में खाना नहीं बनाए थे क्योंकि ना ये भी नहीं थे, और फिर मम्मी कहें कि शाम को बना लेना जो भी मन रहेगा। तो बस अब देखो, और उसके बाद देखिए सारा कपड़ा फोल्ड हो गया, सब सब मैं लगा दे रही हूँ अलमारी में। सबका अलग अलग करके कपड़ा लगाना होता है तो इसलिए बस पूरा लगा दूंगी अलमारी में। और जब तक मैं कपड़ा फोल्ड कर रही थी ना तब तक मैं दाल चावल भी बना चुकी थी, पहले दाल रख के आ गई थी उसके बाद ही कपड़ा फोल्ड कर रही थी। और उसके बाद क्योंकि ना खाना इसलिए जल्दी बना रही क्योंकि अभी शिवांश आ जाएगा मंदिर पर से, तो उसे भी खाना चाहिए क्योंकि कल का सब व्रत है, तो बस उसे भी खाना तो चाहिए चाहिए। अब वो आएगा तो उसे नहाने पर तुरंत खाना चाहिए, उसके बाद फिर सब विसर्जन की तैयारी में शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे सब चले जाएंगे। तो बस इसलिए जल्दी से कर, और देखिए कह ही रही थी आ भी गया है, तो जा रहा था नहाने का, मम्मी हमको खाना निकाल, तुम गई बस बेटा क्योंकि अभी थोड़ा सा चावल तो खैर सीटी दे दिया लेकिन जब तक उसका पूरा नहीं निकलता ए है ना, तो फिर कुकर खोल दो तो चावल थोड़ा अधकचा लगता है। तो बस यहाँ पर जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक वो नहा लेगा तो उसे भी मैं फट से दे दूँगी खाना। तो उसके बाद चलिए चलती हूँ किचन में, कपड़ा तो कपड़ा वाला काम सारा हो गया था, और बस यहाँ पे देखिए हो गया था, बस मैं अब दाल में रह गया था तड़का लगाना, तो बस दाल में तड़का लगा दूँगी और उसके बाद दे दूँगी इनको सबको खाना। और खाना देने के बाद उसके बाद जाऊँगी मंदिर पर, और आज तो तकलीफ तो सच में मंदिर पे चलोगे ना तो और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। देवी माँ का चेहरा ना आज जब देखोगे तो एकदम जैसे उनका चेहरा उतर जाता है, और रोज़ देखो तो रोज़ अलग रहता है लेकिन आज का चेहरा ना उनका एकदम अलग रहेगा, जैसे ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्हें भी तकलीफ होती है जाने में। तो बस यहाँ पे दाल में तड़का लगा दी थी, शिवांश को दे दी थी खाना, तब तक ये भी आ गए थे दूध, मतलब आज जल्दी आ गए थे क्योंकि दसवीं है ना तो आज विसर्जन था, तो फिर ये जल्दी आ गए थे क्योंकि गांव का है तो ये भी जाएंगे विसर्जन में। तो बस यहाँ पे मैं कहीं दूध रख दूँ, और दूध ना ये दुकान से ही उबाल के ले आए थे जो कि डब्बा बहुत ज़्यादा गर्म था, बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा रहा था डब्बा, इतना ज़्यादा गर्म था। तो बड़ी मुश्किल से मैं इसमें से दूध पलट पाई थी, और क्योंकि ना भाप भी एक तरफ लगता है और एक तरफ जैसे कैसे पकड़ूँ डब्बा तो कुछ समझ में नहीं आया। चलिए तब तक यहाँ पर मैं दूध रख दूँगी उबलने के लिए, और उसके बाद सबको खाना पीना दे दूँगी, उसके बाद सब जाएँगे। बस ये देखिए आगे बाद देखिए इन्हें अच्छे से बैठा दी, सब चारों तरफ से इन्हें बांधेंगे क्योंकि ट्रैक्टर जैसे चलते रहते हैं उसकी डर गिरने का डर नहीं होता है। तो इन्हें खूब अच्छे से एकदम चारों तरफ से पहले देवी मैया को मतलब जो पीछे साइड से अच्छे से बांध देंगे। और बाकी देखिए सब जितनी भी गांव की लेडीज थी सब आई थी, तो आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ विसर्जन में। वैसे एक दो बार आरती में आई हूँ, मतलब जैसे कि हर बार आती है, धीरे धीरे मेरे ख्याल से देवी मैया को धीरे धीरे 16-17 साल हो गया होगा इन्हें यहाँ आते हुए, क्योंकि जिस साल शिवांश हुआ था यानी कि 2008 में तब से यहाँ पे दुर्गा जी बैठाई जा रही है हमारे गाँव में। बीच में एक दो साल का गैप किए थे लेकिन फिर उसके बाद से बैठाने लगे थे, तब से ना विसर्जन में आ
आज पहली बार आई हूँ। आरती में तो आ जाती थी, मतलब एक दो बार, विसर्जन में पहली बार आई हूँ। अवसर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर बचपन में तो बहुत विसर्जन मतलब होता था, मुंबई में तो देखती थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार देखी बहुत अच्छा लग रहा था। और जब देवी मैया जाए थी सभी के बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। चावल तो मम्मी मेरे लिए भी ले आई थी, अपने लिए भी ले आई थी, तो हम लोग भी देवी मैया को अच्छे अच्छे लग रहे थे। और बहुत देवी थी एकदम धूमधाम से पूरा बैंड बाजे के साथ नाचते गाते, और भले सब नाच गाए लेकिन आंखों में सबके आंसू था देवी। और ये देखिए मम्मी ना टिकट पकड़ के खड़ी थी, बस उन्होंने हटा रही तो हाथ एकदम सामने, डर लग रहा है क्योंकि बैलेंस कभी कभार होता है ना कि बिगड़ जाता है, और एकदम ना उसका पीछे जो पहिया, मुझे बहुत डर लगता है उसे देख के। और ये देखिए मैं हूँ तो बस, और ना मैं ज़्यादा डांस उन्स का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि देखिए सब लड़की डांस कर रही थी, और फिर किसी का डांस का वीडियो बनाना पता नहीं क्यों ना मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी को बाद में कभी कुछ मतलब पसंद आए या ना पसंद आए, तो इसलिए मैं किसी के भी डांस का वीडियो कोई भी सामने से नहीं बनाई थी। थोड़ा बहुत जो पीछे से ले रही थी बस उतना ही ली थी। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुँच गए नहर पे, और ये नहर क्रॉस कर गए हैं ये देखिए। और ये देखिए जो मैं बार बार कहती हूँ ना बाबा महाराज का मंदिर, मम्मी जाती हैं तो देखिए सामने छोटा सा है बाबा महाराज का मंदिर। और उसके बाद यहाँ से लड़कियाँ सब अलग हो गए, अब यहाँ से शुरू हो गया है लड़कों का डांस। अब यहाँ से देवी मैया को लेके जाएंगे विसर्जन के लिए। तो बस यहाँ पर नहर तक ही सब आते हैं, लड़की जो भी लेडीज़ होती हैं नहर तक ही आती हैं, और जगह तो सब जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ ना बस नहर तक, क्योंकि अभी फिर ना देवी मैया को यहाँ ही ले आएंगे, विसर्जन यहाँ ही पे करेंगे, लेकिन पूरा घुमा के ले आके फिर विसर्जन यहाँ पे करेंगे। तो जिसे लेडीज़ को बैठना होता है तो यहाँ पे बैठती हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटा लग जाता है वापस लौटने में। और उसके बाद देखिए लड़कों का डांस सबका शुरू हो गया था, यहाँ से सब अब लड़कियाँ तो सब हट गई थी लेकिन अब लड़कों का डांस शुरू हो गया, तब धीरे धीरे सब लेके निकलेंगे। तो ये देखिए देवी मैया, ये देखिए अब जा रही हैं, अब इनकी विदाई हो रही है। और सच में ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था ना, मतलब कि एक होता है ना कि अंदर से मतलब अजीब सा लगता है कि बहुत रोना आता है। और मैं अभी वॉइस भी कर रही हूँ ना, इस समय मेरा देख के ना जैसे आँख में आंसू आ जा रहे हैं, मुझे ना बहुत तक, मैं जब अपने घर के मंदिर का कर रही थी ना तभी उसी समय मुझे एक तो ये गाना जो बजते हैं ना आजकल के गाना, तो ये सब सुन के और भी रोना आता है। तो बस यहाँ पे देखिए देवी मैया जाए थे, और एक बार यहाँ पे सबको फिर से प्रसाद दिया जा रहा था, जाते समय एक बार सब फिर से प्रसाद ले रहे थे, और सब देखिए फिर अच्छा छिड़कने लगे थे देवी माँ को। और ये रहा बगल में बाबा महाराज का मंदिर, लिखा भी है ना आप लोग देख रहे हो कि बाबा महाराज की मंदिर। तो मम्मी यहाँ पे ही आती है नवरात्र में, पूरा 9 दिन यहाँ पे आई थी मम्मी, और यहाँ पे जैसे मीठा उठा चढ़ाना होता तो मम्मी यहाँ पे ही आती है। और बहुत दूर पड़ जाता है एकदम वहाँ से नहर पे आना, और फिर नहर से यहाँ पे मंदिर पे आना। बस ये देखिए देवी मैया एकदम वहाँ तक पहुँच गई हैं, अब एकदम सीधा ये सब चले जाएंगे और फिर बगल से घूम के आएंगे। तो ये देखिए अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाबा महाराज के। और बस यहाँ पे उसके बाद फिर मैं जाने लगी थी घर। तो देखिए नहर में पानी है, और अभी जो कि पूरा नहर ये फुल नहीं आया, अभी नहर बंद किया गया क्योंकि इस समय विसर्जन का समय है, तो इस समय बस आधे ही खोले रहते हैं, और उसके बाद शाम होते होते ना फुल नहर चालू हो जाएगी और पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है, इतना तेज़ नहर रहता है। तो बस ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं घर, और देखिए यहाँ से कितना लंबा रास्ता पड़ता है घर जाने के लिए। तो चलिए अब चलती हूँ घर, और घर पे चल के फिर देखिए पूरा हम लोग एकदम रंग से नहा लिए थे देखिए, और जो कि मैं मुंह ढकी थी, मुंह ढकने पे मेरा ये हाल था, जो मुंह खोले थे उनका तो पूरा एकदम जैसे रंग में नहाए थे। और ना ये अबीर था ना जो गुलाल होता है गुलाबी कलर का, तो इसमें मेरे ख्याल से ना रंग मिला हुआ था क्योंकि ना धोने से नहीं जा रहा था, पूरा लगा ही हुआ था, और साबुन से भी धुली ना फिर भी ये नहीं गया। और अभी तो एक बार फिर धो के देखिए, पानी से ही धुली थी लेकिन इसके बाद फिर मैं साबुन से धुली, मैं सोची कि शायद छूट जाएगा लेकिन छूटा नहीं। इसमें मेरे ख्याल से चाहे रंग मिलाए हो या तो फिर दुकान से ही रंग मिला के मिला होएगा। तो देखिए बहुत बेकार लग रहा था पूरा। तो बस चलिए इसे पहुँचने के बाद, और उसके बाद अब देखिए अब ये सब इनको सबको तो आते आते मेरे ख्याल से 4 बज जाएगा, और पूरा मतलब एक मन किया कि साड़ी चेंज कर लूं, तो उसके बाद मैं साड़ी नहीं चेंज करी क्योंकि ना मुझे साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत हो जाती है, किसी तरह मैं एक बार साड़ी क्या। सो गाइस अब हम सॉरी सब हम लोग निकल रहे हैं दशहरा, क्या बोलते हैं दशमी मेला में। बस हम मम्मी और पापा जाए क्योंकि भैया मतलब थक गया है, वो पैदल गया आया था, वो गए थे आज बहुत है और सो गया, कल मैं नहीं जाऊँगी, फिर मम्मी और हम बस जा रहे हैं और पापा। चलिए
पापा देखिए खड़े हैं। राक्षस की सेना होती है, अब इस समय थोड़ा मतलब यहाँ पे ना बनाते हैं अच्छे से। बस यहाँ पे पूरी सेना देखिए, पूरा जो रावण की सेना होती है देखिए, पूरा भी थोड़ा जाएंगे थोड़ा वहाँ पे युद्ध होता है, इससे जैसे पूरा रामायण में दर्शाया गया, तो इस तरह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीन दर्शाते हैं। बस देखिए पूरी सेना देखिए, सब उस पर घोड़े पर सवार होके हाथ में क्या कहते हैं उसे तलवार लेके, धनुष लेके, और जो भाला होता है ये सब लेके देखिए पूरी सेना जा रही है। और अभी आप लोग पीछे देखो ना, पीछे रावण भी आ रहे हैं एक रथ पे बैठ के। तो इसी तरह से यहाँ पूरा होता है। और इस समय ना मार्केट में इतनी भीड़ थी कि अगर सरसों फेंको तो जमीन के नजर इतनी भीड़ थी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बाइक ले आने जाने में। ये देखिए रावण है, और इस समय ये आइसक्रीम खा रहे थे, मुझे बाहर में देखते हंसी छूट रही थी। आइसक्रीम या जो भी कुछ खाते मुझे नहीं पता, नहीं कुछ खा रहे थे। बस ये देखिए, और ये देखिए इन्हें देख गए थे ना तो हाथ दिखाने लगे, शायद इन्हें मतलब पहचानते हैं। बस यहाँ पे वे हो गए थे, और पीछे थी पूरी वानरी सेना। ये देखिए यहाँ पे जो एक और रथ जा रहा है ना, इसमें पूरी वानर सेना थी, और है ना सबको डरा रहे थे। तो उसके बाद देखिए हम लोग पहुँच गए थे दुर्गा माँ के मंदिर। ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छी मंदिर थी, और यहाँ की दुर्गा जी ना सच पूछो इतनी इनकी बड़ी प्रतिमा थी। मुझे तो लगा कि इनको कैसे मतलब करेंगे इनका। ये देखिए अभी जो कि मैं ऊपर थी और सीढ़ी बनी हुई थी नीचे जाने के लिए, और देखिए बहुत भारी प्रतिमा थी, लेकिन बहुत मतलब बहुत भव्य लग रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि एकदम जैसे हम लोग किसी और जगह आ गए हैं, मतलब इतना सुंदर यहाँ पे लग रहा था। बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा थी, और काफ़ी नामी गामी मतलब ये जगह है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।